हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग एकेडमी। मैं अनिल कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आईवी फ्लूड्स के बारे में। ठीक है, आईवी फ्लूड से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आता रहता है। अभी आपने पीछे एम्स नॉर्सेट की एग्जाम देखी थी, उसमें से क्वेश्चन आया था ऑस्मोलैलिटी पे। ठीक है, कि ब्लड प्लाज्मा उसकी ऑस्मोलैलिटी है वो कितनी होती है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है फ्लूड ऑफ चॉइस, आपको डिजीज कंडीशन बता दी जाएगी कि इस कंडीशन में कौन सा आपको फ्लूड है वो काम में लेना है। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये टॉपिक है वो बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसको आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको कंप्लीट देखना है। चलिए अब अपनी क्लास वो आगे शुरू करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं आइसोटोनिक फ्लूड। ठीक है, एक होती है टोनिसिटी, फ्लूड की टोनिसिटी। तो टोनिसिटी के आधार पर फ्लूड होता है आपका तीन तरीके का, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक जो भी फ्लूड है उसकी ऑस्मोलैलिटी है। ऑस्मोलैलिटी क्या है? उसका मतलब है कंसंट्रेशन। ठीक है, फ्लूड की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वो किसके बराबर होती है? आपके ब्लड प्लाज्मा की। कितनी होती है? वो होती है 275 टू 290 मिली ऑस्मोल पर केजी। और ये किसके अनुसार है? आपके जैसे आपके ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी है उसी के अनुसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी एम्स नॉट सेट में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, एम्स नॉट सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी अभी 2023 में लगी है जून में। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी है वो कितनी होती है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ऑस्मोलैलिटी आपको याद रखनी है। आइसोटोनिक की कितनी होगी, हाइपोटोनिक की कितनी होगी और हाइपरटोनिक की कितनी होगी। ठीक है, और हम इसमें बात करेंगे कि आइसोटोनिक फ्लूड में कौन से फ्लूड आएंगे, हाइपरटोनिक में कौन से फ्लूड आएंगे और हाइपोटोनिक में कौन से फ्लूड आएंगे और उनका यूज है वो क्या रहेगा। तो नेक्स्ट इसमें अपन बात करते हैं। इसमें सबसे पहले नॉर्मल सेलाइन, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, एनएस। हम इसको किस नाम से जानते हैं? हम इसको नाम से जानते हैं, वो है 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन 100 ml। ठीक है, 100 ml में कितना रहेगा जो भी सोडियम क्लोराइड है वो होगा 0.9%। कितना होगा? 0.9%। एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, ये चीज समझ गए। और 1 लीटर में कितना होगा? 9%। ठीक, नेक्स्ट इसका यूज हम कहां पे करेंगे? इसका यूज हम करेंगे फ्लूड जैसे रिसक्सिटेशन है, फ्लूड रिसक्सिटेशन जैसे कौन सी कंडीशन, जैसे हो गया हाइपोवोलेमिया, ब्लड का जो भी वॉल्यूम है वो कम हो गया। ठीक है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, शरीर में फ्लूड का लॉस हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ उस कंडीशन में, और शॉक में। इसमें आप किसका यूज करेंगे? आप एनएस का यूज है वो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, जहां पे स्टार लगा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, वो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट Used before and after of infusion of blood products। जब मैंने बीटी के बारे में बताया था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बताया था, तब मैंने बताया था ना कि वहां पे अपन कौन से फ्लूड का यूज लेंगे साथ में, वो लेंगे नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, आपने मैंने ये भी बताया था कि जब भी रिएक्शन भी हो जाती है किसी पेशेंट को, तब आपको क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोकना है। और क्या शुरू करना है? आपको शुरू करना है नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, एनएस उसको देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रावीनस मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार क्या होती है कि आपको पता है कि आपको हेवी एंटीबायोटिक्स वो देनी पड़ती है क्लाइंट को। ठीक है, तो वो आपको डाइल्यूट फॉर्म में देनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, आप 100 ml की जो भी नॉर्मल सेलाइन है उसमें डिजोल्व करके देते हैं, जैसे पाइपर सेलिन आता है, पिप्टाज। ठीक है, वो हम डाइल्यूट करके देते हैं। ठीक है, तो जो भी एंटीबायोटिक मेडिकेशन है जिसको डाइल्यूशन की रिक्वायर होती है, हम उसको डाइल्यूट करके देते हैं। किसके अंदर? आपके एनएस के अंदर। समझ गए? इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, डाइल्यूशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएचओ की एग्जाम में, स्टाफ नर्स एग्जाम में और आपके एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि बीसीजी को डाइल्यूट करने के लिए आप कौन सा सॉल्यूशन काम में लेंगे, तो कौन सा लेते हैं? नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, बीसीजी का एक लाइफोलाइज्ड वैक्सीन है, मतलब वैक्सीन कौन से फॉर्म में है? पाउडर फॉर्म में है। उसको क्या करना पड़ता है? डाइल्यूट करना पड़ता है। किससे डाइल्यूट करेंगे? आप नॉर्मल सेलाइन से करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मीजल्स से पूछ लेते हैं, मीजल्स को किसको किससे डाइल्यूट करते हैं? तो उसको कहते हैं डिस्टिल वाटर से। यहाँ पे आपको क्या बताना है, बताया गया है कि बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूशन के लिए आप नॉर्मल सेलाइन है उसको काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्लूड फ्लश। फ्लूड को हम कई बार फ्लश करते हैं ना, फ्लश किसको करेंगे? आपकी कोई कैनुला हो गई, कैथेटर हो गई। ठीक है, उसको अपन मेंटेन करने के लिए, उसकी पेंडेंसीज को क्लियर करने के लिए, उसमें कहीं किसी तरीके का कोई क्लॉट ना हो जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है, सेंट्रल जो भी लाइन है वहां से आप क्या लेते हो, आपने ब्लड का सैंपल लिया, तो उसको वापस से क्लियर करने के लिए आप किसको यूज में लेंगे? नॉर्मल सेलाइन का।
ठीक है, जो भी आपकी सेंट्रल लाइन है, कैथेटर है, कैनुला है, उसको फ्लश करने के लिए आप क्या काम में लेंगे, हम काम में लेंगे आपका नॉर्मल सलाइन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, निषेध, मतलब कहां पे काम में नहीं लेना है, कहां पे काम में नहीं लेंगे आप नॉर्मल सलाइन को, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है, हाइपरनेट्रीमिया होता है ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ जाना, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। अगर कोई भी क्लाइंट हाइपरनेट्रीमिया वाला है तो हम उसको नॉर्मल सेलाइन नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि नॉर्मल सेलाइन में भी क्या होता है आपका सोडियम क्लोराइड होता है, तो हाइपरनेट्रीमिया में आप सोडियम क्लोराइड देंगे तो क्लाइंट में क्या होगा, और भी हाइपरनेट्रीमिया होगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगी सोडियम का अमाउंट और भी ज्यादा होगा, तो क्लाइंट में क्या क्या देखने को मिल सकता है, हार्ट फेल्योर देखने को मिल सकता है, रीनल फेल्योर है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर वाले केस में भी हम एनएस को नहीं देते हैं। ठीक है, जो मैं जिसके आगे ऐसे मार्क लगा रहा हूं, मतलब नहीं देना है, ठीक है, नहीं देना है, ये आपको इस कंडीशन में आपको नहीं देना है। फ्लूड ओवरलोड, अगर फ्लूड ओवरलोड हो जाए बॉडी में, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन हो गया, रीनल इंपेयरमेंट वाले केस में, इस वाले केस में भी आप क्लाइंट को कोई भी फ्लूड है वो नहीं देंगे, नॉर्मल से लाइन वो भी नहीं देंगे। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब निषेध, इस वाली कंडीशन में नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो भी फ्लूड आता है वो आएगा आपका आरएल। आरएल को हम क्या बोलते हैं, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। आरएल, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, इसको हम कौन से नाम से जानते हैं, हम इसको हार्टमान सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टाफ नर्स एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हार्टमान सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो वो है आपका रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। कौन सा है, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। कंपोजिशन इसमें कौन किस किस से मिलकर बना होता है, इसके अंदर होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट, ये चार चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी। कंपोजिशन में बता देता हूं, देखिए इसमें आपको सोडियम क्लोराइड देखने को मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड देखने को मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड देखने को मिलेगा और सोडियम लैक्टेट वो देखने को मिलता है। ये चार चीज बनाती है किसको, आरएल को, आपके आरएल वाले फ्लूड को। ठीक है, कौन चीजें देखने को मिलती है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। ठीक है, ये आरएल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यूज कौन सी कंडीशन में करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है आपका, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड डेफिशिएंट जैसे फ्लूड लॉस फ्रॉम ब्रेन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दो से तीन बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी सीएचओ एग्जाम में भी, राजस्थान सीएचओ में भी क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले एम्स के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, स्टाफ नर्स के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा, कि ब्रेन वाले पेशेंट है, हम उसको कौन सा फ्लूड देंगे, तो हम उसके लिए फ्लूड ऑफ चॉइस रहेगा वो रहेगा आपका आरएल। कौन सा रहेगा, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन है, ये फ्लूड ऑफ चॉइस है किसमें, ब्रेन वाले पेशेंट में। क्यों, क्योंकि ब्रेन वाले पेशेंट में फ्लूड का लॉस तो होता ही होता है, उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस होता है। ठीक है, तो उसी को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। समझ गए, नेक्स्ट ब्लीडिंग हेमरेज वाले केस में भी हम क्या देते हैं, आरएल देते हैं। और डिहाइड्रेशन फ्रॉम ब्लड लॉस ऑफ बाइल और डायरिया, बाइल का लॉस हुआ है, डायरिया का लॉस, डायरिया हुआ तो वहां पे क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, तो उस केस में किसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे, आरएल देंगे। और एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस वाला केस है उसमें भी हम क्या देते हैं, आरएल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्स्टेट्रिक, जब डिलीवरी होती है तो हम उस टाइम पे नॉर्मल सलाइन भी देते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम आरएल भी देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम क्या देते हैं, डिलीवरी टाइम पे, लेबर के टाइम पे आरएल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ पे नहीं देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मैंने बताया क्या होते हैं, निषेध, कहाँ पे मना ही है, कहाँ पे नहीं देना है, तो सबसे पहले क्या होगा, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया इस वाली कंडीशन में नहीं देना है, क्यों, हाइपरकैलेमिया क्या है, ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। ठीक है, तो आपके रिंगल लैक्टेट में क्या है, पोटेशियम क्लोराइड था। ठीक है, तो अगर आपके आप हाइपरकैलेमिया वाले को आरएल दे रहे हो तो मतलब आप उसमें और भी पोटेशियम का लेवल बढ़ाओगे। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, उससे वही उसमें कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर हो सकता है, रीनल इंपेयरमेंट वो हो सकता है। ठीक है, हार्ट फेल्यूर एडिमा वाले केस में हम आरएल नहीं देते हैं। नेक्स्ट फ्लूड ओवरलोड, इस वाले केस में भी हम क्या नहीं देते, आरएल वो नहीं देते, ये चीज समझ गए। नेक्स्ट 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ये भी क्या है, ये भी एक आइसोटोनिक फ्लूड है, 5% डेक्सट्रोज इन 0.225%, या आप बोल सकते हो 5% डेक्सट्रोज इन 1/4
एनएस, ये क्या है? ये भी आइसोटोनिक फ्लूड है। कोई भी पूछ ले आइसोटोनिक फ्लूड में कौन कौन से आएगा, एक तो आ गया आपका एनएस, एक आपका आ गया आरएल, और एक आ गया आपका डी5 जिसको आप बोलते हो डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, और एक होगा 5% डेक्सट्रोज इन 1/4 नॉर्मल सलाइन। ये क्या है? ये है आइसोटोनिक फ्लूड। क्यों? क्योंकि इसकी टोनिसिटी किसके बराबर होती है? आपके ब्लड प्लाज्मा के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपरटोनिक फ्लूड। हाइपरटोनिक फ्लूड मैंने बताया था टोनिसिटी के आधार पर फ्लूड तीन तरीके के होते हैं, आइसोटोनिक फ्लूड, हाइपरटोनिक फ्लूड और हाइपोटोनिक फ्लूड। अब टोनिसिटी अगर ब्लड प्लाज्मा के लेवल से ज्यादा हो तो वो होते हैं हाइपरटोनिक फ्लूड। ठीक है, इसकी ओस्मोलरिटी कितनी होगी? मोर देन 295 mOsmol/kg। ठीक है, नॉर्मल कितनी थी? 275 टू 295। यहाँ पे क्या है? मोर देन 295 मतलब ज्यादा होगी टोनिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से इसमें कौन कौन से फ्लूड आएंगे? 5% डेक्सट्रोज इन 0.9 चलाएं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डीएनएस, डीएनएस बोलते हैं। ठीक है, ये वाला फ्लूड है, ये काम में लेते हैं कौन से केस में? ईसीएफ डिफिशियंट में, क्लाइंट विद लो सीरम लेवल ऑफ सोडियम और क्लोराइड एंड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, इस वाले केस में अपन क्या लेते हैं? डीएनएस काम में लेते हैं। नेक्स्ट 5% डेक्सट्रोज इन 0.45% सेलाइन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? 5% डेक्सट्रोज इन हाफ एनएस, हाफ एनएस। ये क्या है? ये हो गया आपका हाइपरटोनिक। और मैंने पिछले में क्या बताया था? 1/4 वो एनएस, उसमें 5% वो था आपका आइसोटोनिक। ठीक है, नेक्स्ट 5% डेक्सट्रोज इन रिंग इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन, ये भी क्या आपका? हाइपरटोनिक। ठीक है, ये भी क्या आपका? हाइपरटोनिक। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैनिटोल के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। मैनिटोल मैंने क्या बताया है? ड्रग ऑफ चॉइस बताया है, किसमें? इंक्रीज्ड आईसीपी, अगर बड़ा हुआ, क्या बड़ा हुआ इंट्राक्रेनियल प्रेशर है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस, फ्लूड ऑफ चॉइस क्या रहेगा आपका? मैनिटोल 20%, 100 ml की आपने देखा होगा बोतल आती है। ठीक है, वो क्या है? मैनिटोल। किसको ट्रीट करने के लिए रहते हैं? इंक्रीज्ड आईसीपी मतलब बड़ा हुआ इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? मैनिटोल। ठीक है, और ये क्या है? ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। क्या है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, समझ गए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, कौन से केस में अब जो भी हाइपरटोनिक फ्लूड है वो काम में नहीं लेते, कौन से केस में नहीं लेंगे? अगर कोई क्लाइंट है किसका? डायबिटिक किटोएसिडोसिस का। ठीक है, तो उसमें हम क्या नहीं देंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी क्लाइंट है उसके अंदर जो भी हाइपरटोनिक फ्लूड है वो क्या करेगा? फ्लूड को बाहर निकालने की क्या करेगा? नेचर रखता है, प्रवृत्ति रखता है, तो उससे क्या हो देखने को मिलेगा? सेल्यूलर डिहाइड्रेशन है वो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सेल्यूलर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। ये चीज समझ गए? ठीक है, हाइपरटोनिक फ्लूड कौन से वाले क्लाइंट को नहीं देते? डायबिटिक किटोसिडोसिस वाले क्लाइंट को नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये सेल से जो भी फ्लूड है वो बाहर निकालने का नेचर रखता है, जिससे अगर सेल से फ्लूड बाहर निकल गया तो सेल में क्या होगा? सेलुलर डिहाइड्रेशन होगा। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को अपन क्या नहीं देंगे? हाइपरटोनिक फ्लूड है वो नहीं देंगे। नेक्स्ट है आपका हाइपोटोनिक फ्लूड। ठीक है, जो भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसकी मैंने क्या बताया? टोनिसिटी कितनी होगी? आइसोटोनिक से कम, हाइपो मतलब आइसो से कम। ठीक है, तो जो भी ऑस्मोलरिटी है वो कितनी होगी? लेस देन 275 mOsmol/kg क्या है इसकी टोनिसिटी। नेक्स्ट इसमें कौन कौन से सॉल्यूशन आता है? इसमें आता है 0.45% नॉर्मल सलाइन, या आप बोल सकते हो हाफ एनएस। ठीक है, या फुल में कितना था? फुल में था 0.9%, यहाँ पे क्या है? 0.45%, ये क्या है? हाफ है। 0.33% एनएस नॉर्मल सलाइन, ये क्या है? हाइपोटोनिक। डेक्सट्रोज 2.5% इन वाटर, ठीक है, ये क्या है? हाइपोटोनिक। और यहाँ पे 5% था वो आइसोटोनिक। ठीक है, ये क्या है? ये है आपके हाइपोटोनिक फ्लूड। ये क्या है? हाइपोटोनिक फ्लूड। ये क्या है? ये है आपके हाइपोटोनिक फ्लूड। अब हम देखेंगे इसका यूज कौन से केस में काम में लेंगे। सेल्यूलर डिहाइड्रेशन हुआ है, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन हुआ है किसके कारण से हुआ है? हाइपरनेट्रेमिया या डायबिटिक किटोएसिडोसिस, उस वाली कंडीशन से अगर क्या हुआ है? सेल्यूलर डिहाइड्रेशन हुआ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम हाइपोटोनिक फ्लूड है वो लेते हैं। ठीक है, हाइपोटोनिक फ्लूड है वो लेते हैं। हाइपोटोनिक फ्लूड हम शरीर में देंगे तो कंसंट्रेशन के कारण से जो भी आपने देखा होगा ऑस्मोसिस में क्या होता है?
जो भी सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, लोअर सोल्यूट कंसेंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन। तो जो पानी है वो किस में चला जाएगा, सेल के अंदर, ठीक है। तो सेलुलर डिहाइड्रेशन होगा, वहां पे कमी होगी तो वहां पे अंदर चला जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ गए। नेक्स्ट, इसमें नोट लगा के मैंने एक बात लिखी है, जो भी आप फ्लूड है, जो भी आप आईवी फ्लूड है एक बार काम में लेंगे तो उसको आपको मतलब 24 घंटे के अंदर इसको इन्फ्यूज करना है। आपने कोई भी आईवी बोतल खोल ली, उसको हैंग कर दिया, चला दिया, तो आपको उसको कितने घंटे के अंदर उसको खत्म करना है, पूरा करना है 24 घंटे के अंदर, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ब्लड कंपोनेंट, इस एक पेज में हम देख लेंगे ब्लड कंपोनेंट कौन से केस में कौन सा ब्लड कंपोनेंट है वो लगाया जाता है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं होल ब्लड, होल ब्लड कब लगाते हैं, जब कोई भी ब्लड लॉस हुआ है, हेमरेज हुआ है, तो वहां पे जो भी वॉल्यूम है उसको रिप्लेस करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, होल ब्लड लगाते हैं, कंप्लीट ब्लड है वो लगाते हैं। अब आपने सुना होगा पीआरबीसी, पैक्ड आरबीसी, ठीक है, वो क्या है पीआरबीसी, ये इंक्रीज आरबीसी मास, ठीक है, एनीमिया वाले क्लाइंट होते हैं उसके अंदर आरबीसी का लेवल बढ़ाने के लिए हम क्या देते हैं, पीआरबीसी। नेक्स्ट प्लेटलेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेंगू वाले क्लाइंट है जिसमें क्या देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब आपको किसकी कमी देखने को मिलेगी, प्लेटलेट्स की कमी। उस कंडीशन में हम क्या देंगे, हम देंगे प्लेटलेट्स टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को ट्रीट करने के लिए क्या देंगे हम, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अगर आपने मोस्ट भी पढ़ी है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कोई क्लाइंट है अगर उसको एक्सीडेंट हुआ है, उसका ब्लड लॉस है वो बहुत ज्यादा हो गया है, क्या हो गया, ब्लड बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके आए, तो आप उसको सबसे पहले कौन सा फ्लूड देंगे बताइए, आप उसको आईवी फ्लूड देंगे या फिर पैक्ड आरबीसी देंगे, प्लेटलेट्स देंगे, डब्ल्यूबीसी देंगे, क्या देंगे? तो हम उसको क्या देंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्या देंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इसके अंदर आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा, एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी, और क्लॉटिंग फैक्टर वो देखने को मिलेंगे, तो ये क्या, ये ही देंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट भी को देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट वाले चैप्टर, ठीक है। मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये क्या करेगा, देखिए हम इसको इमेडिएटली इसको क्या लगा सकते हैं, तुरंत प्रभाव से इसको हम लगा सकते हैं, आप अगर ये डब्ल्यूबीसी आरबीसी अगर ये लगाएंगे तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, 3 से 4 घंटे में उसको क्या है, एक यूनिट को उसको क्या करना होता है, फिनिश करना होता है, आप उसको एकदम हाई फ्लो रेट से नहीं दे सकते, लेकिन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम उसको इमीडिएट वो लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्लॉटिंग फैक्टर भी देखने को मिलेगी, तो वो क्या करेगा, क्लॉटिंग मतलब जो भी ब्लीडिंग है उसको रोकने का भी काम करेगा, इसके अंदर एंटीबॉडीज भी देखने को मिलती है, प्लाज्मा भी देखने को मिलता है जो एक्सपेंडर का काम करेगा, इसीलिए हम क्या देंगे, एफएफपी, ठीक है। नेक्स्ट क्रायो प्रिसिपिटेट, ये कौन सी कंडीशन में देंगे, ये क्या है, इसमें देखिए इसमें फैक्टर क्या देखने मिलेगा, फैक्टर 8 फाइब्रिनोजन एंड फैक्टर 13 टू ट्रीट हीमोफीलिया, जो भी हीमोफीलिया उसको ट्रीट करने के लिए अपन इसमें क्या देते हैं, फैक्टर 8 होता है इसके अंदर फाइब्रिनोजन होता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जो भी फैक्टर 13 है वो देखने को मिलता है, जिससे हम हीमोफीलिया को ट्रीट कर सकते हैं। फैक्टर 8 ये क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, ठीक है, क्या है, क्रायो प्रिसिपिटेट। नेक्स्ट एल्बुमिन, एल्बुमिन कौन सी कंडीशन में देंगे, ब्लड के अंदर शरीर के आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी होगी, ठीक है, ब्लड के अंदर प्रोटीन की कमी है तो उसको वॉल्यूम को एक्सपेंड करने के लिए और हाइपोप्रोटीनेमिया, ब्लड के अंदर प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या देंगे, एल्बुमिन है वो देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आई वी गामा ग्लोबुलिन, जिसके अंदर आपको क्या देखने मिलेगा, आई जी जी इम्यूनोग्लोबुलिन गामा एंटीबॉडी, जो क्या है, एक एंटीबॉडी है, जो हम इम्यूनो डिफिशियंसी वाले क्लाइंट है जिनका इम्यून लेवल जो भी क्या है कमजोर, ठीक है, इम्यून सिस्टम उसका क्या है वीक है, तो हम उसको क्या देते हैं, आईवी गामा ग्लोबुलिन देते हैं, ठीक है। तो ये था ब्लड कंपोनेंट और आईवी फ्लूइड्स के बारे में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखने को मिल गए। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की या फिर सीएचओ एग्जाम की या फिर स्टाफ नर्स एग्जाम की क्वेश्चन की जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, कोर्स आपको हमारी अप्लीकेशन ओम नर्सिंग अकेडमी वहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको ऑल इन वन कोर्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑल इन वन कोर्स है, 1499 रुपये में देखने को मिलेगा, यह है आपका कोर्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का कोर्स, ठीक है, कितने में देखने को मिलेगा, 999 रुपये में। और आपको सीएचओ का कोर्स है वो भी देखने को मिल जाएगा, इसके साथ में आपको नोट्स है वो भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे मिलेंगे, हमारी अप्लीकेशन, हमारी अप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग अकेडमी,
गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, जो भी आपको कोर्स सही लगे उसको बाय कीजिए और अपनी तैयारी है उसको जारी कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।